माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी खुशबूदार ज़रूर बनाई है। माशाल्लाह कल्याणी बिरयानी ज़बरदस्त बनी, आप ज़रूर ट्राई करिए। गोश्त भी हमारा आसानी से टूट जा रहा, बहुत जनों को डाउट रहता कि गोश्त ये कच्चा बना रहे गलता नहीं गलता, अच्छे से गल भी जाता और दम भी हो जाता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ कल्याणी बिरयानी, हैदराबाद की मोस्ट फेमस कल्याणी बिरयानी। और इसके लिए मैं ली हूँ 1.25 किलो मटन या बीफ बोल सकते हैं आप। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून है ये हरा पपैया पेस्ट, कच्चा पपैया पेस्ट 1 टीस्पून। थोड़ा अगर गोश्त आपके पीसेस और बड़े हैं या थोड़ा घट है गलने का ज़रा प्रॉब्लम दिख रहा तो और थोड़ा सा बढ़ के पपैया पेस्ट लगा देना स्टार्टिंग में पहले, और लगा के इसको 5 मिनट इस तरह से छोड़ देना। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश लेना। 1 टेबल स्पून है नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। गरम मसाला पाउडर मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, चाहे तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं हैदराबादी गरम मसाला। और 1 बड़े लेमन का जूस अच्छा मिलाना हाथ से, मैरिनेशन अच्छा होता मटन में या जो गोश्त में चिकन में जिसमें मिला रहे हैं आप हाथ से इसको अच्छा लगाना तो अच्छा गोश्त में मसाले अंदर तक पहुँचते हैं, अच्छा जायका आता है इसका। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा कोथमीर का बंच, 1 बड़ा कोथमीर का बंच, 1 बड़ा पुदीने का बंच, 4-5 हरी मिर्चियाँ। अब इस सारे ये चीज़ों को फिर एक बार हम अच्छा मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, दालचीनी है, लौंग है, शाहजीरा है, इलायची है। अब इसमें 1 टमाटर डालेंगे, लाल टमाटर लेना 1 ही बस काफ़ी है, और इसके बारीक बारीक पीसेस करके डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम गाढ़ा दही, दही डालना फेंट के डालना। दही डालने के बाद भी इसको अच्छा मिलाएंगे। अब इसमें प्याज फ्राई, 200 ग्राम में प्याज फ्राई करें और प्याज को थोड़ी बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए, और थोड़ी बाकी की जो प्याज है उसको हाथ से क्रश करेंगे, हाथ से क्रश करके डालना, साबित नहीं डालना। थोड़ी सी प्याज को बचा लिए, प्याज डालने के बाद एक बार मैं इसको अच्छा मिला ली। जिस तेल में प्याज फ्राई करें वो तेल आधा डाल देंगे और आधा रख लेंगे चावल पे से डालने के लिए। और तेल ली मैं 200 ml तेल। अब इसको अच्छे से मिला लिए। अब अच्छा मिलाने के बाद कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक क्या करेंगे, मिर्ची का सालन बनाएंगे, मोटी मिर्ची का। ये मिर्ची का साइज बड़ा है इसलिए मैं इसको 2 टुकड़े कर लूँगी। अगर छोटा साइज है तो ऐसा बीच से कट करके डाल सकते हैं आप। मिर्चियों को कट कर ली और 2 छोटे साइज के टमाटरों को 4 हिस्से कर ली, 1 टमाटे में से, और मिर्चियों को धो के कट कर ली। अब इसमें क्या करेंगे, 1 कप ऑयल डाली, मिर्चियों को फ्राई करेंगे। मिर्ची को 50% फ्राई कुक होने तक फ्राई करेंगे। मिर्चियों के सालन के लिए मैं मसाले ली हूँ, 2 टेबल स्पून है खोपरा, 3 टेबल स्पून फली, 2 टेबल स्पून है तिल, 1 टीस्पून भर के धनिया, 1 टीस्पून भर के जीरा। सारी चीज़ों को रोस्ट कर ली और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है उसको
थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा एक चाय का चम्मच तेल डाल के कच्चा पक्का फ्राई कर लिया। सारी चीज़ें हम मिला के इसका पेस्ट कर लेंगे। मिर्ची हमारी फ्राई हो गई, 50% कुक होने तक फ्राई करना। मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें 2 टीस्पून है अदरक लहसुन, 2 टीस्पून लाल मिर्ची है, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के नमक डाली। नमक लास्ट में टेस्ट करके डाल ले सकते, पहले का पहले ज़्यादा ना डालना। अब जो तेल में मिर्ची फ्राई करे थे उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को ब्राउन होने देंगे। जीरा ब्राउन होने के बाद ड्राई मिर्ची और करिया पत्ता डालेंगे। जीरा ब्राउन होने के बाद करिया पाक और लाल मिर्ची डाल दी। अब जब मसाले डालेंगे, और इसके लिए इमली को भीगने के लिए मैं छोड़ दी थी, ये करीब करीब 1 मुट्ठी से बढ़ के हैं। और मसाले डालने के बाद अच्छा सा भुनेंगे, इसका कच्चा बन जाएगा। पानी नहीं डाले में, जो मसाला में पीसे वही पानी है। अब इसको अच्छा भुनेंगे। खाली वक्त भी आप इसको बना सकते हैं, तले हुए गोश्त के साथ, क्रीमी के साथ बना सकते हैं। अब इसको अच्छा भुनेंगे। अब इसका ऑयल जो डाले हम, वो अच्छा सरफेस पे आ जाना जब तक इसको भुनना, नहीं तो मसालों का कच्चापन होता सालन में। इमली का मैं मीडियम खट्टा निकाल लिए। अब इसमें 2-4 हरी मिर्चें डालेंगे और जो टमाटर काटे थे वो भी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी देर इसको भून लेंगे, सरफेस पर अच्छे से ऑयल आना शुरू हो गया। अब इसमें जो खट्टा निकाले थे वो डाल देंगे। 5-7 मिनट में इसको तेज फ्लेम पे पकने दी मिर्ची। अब इसमें मिर्चियाँ डाल देंगे, मिर्चियाँ भी डाल दें और इसमें डालेंगे कुछ करिया पके पत्ते और 1 मुट्ठी भर कोथमीर। अब इसको क्या करेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके इसको 15 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे छोड़ देंगे। कवर करके थोड़ा सा गैप रखेंगे। 15 मिनट हो गया, चूल्हे को बंद कर देंगे। चलिए अखने को मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रखी थी। मैरिनेट अच्छे से हो गया है मटन हमारा। इसके लिए मैं ली हूँ 1/4 किलो ये चावल है बासमती राइस। इसको धो के 1/2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दी। एक बर्तन ली मैं चावल बनाने के लिए, इसमें पानी डाल दी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची और खड़ा गरम मसाला। 1 टीस्पून है शाह जीरा, दालचीनी, 5-6 इलायची और 5-6 लौंग। पानी में अच्छे से उबाल आ गया, आप चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद एक बार हल्के हाथों से मिलाना और कवर कर देंगे। 90% चावल को कुक होने देंगे। अब इसको निथार लेंगे। चलिए चावल को मैं निथार ली, ड्रेन कर दी। अब इसमें अखनी में चावल डालेंगे। चलिए अब इसके ऊपर से डालेंगे तली हुई प्याज जो बचा के हम रख लिए थे वो डालेंगे, और थोड़ी सी डालेंगे कोथमीर पुदीना। और हरी मिर्ची, अब जो ऑयल हमने आधा निकाल लिए थे प्याज तली हुई प्याज का वही डालेंगे इसके ऊपर से। और जो ऑरेंज फूड कलर को मैं घोल के रखी थी वो भी डालेंगे। करेंगे इसको कवर कर लेंगे। कवर करके इसको 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 7-8 मिनट के बाद, चलिए 7 से 8 मिनट हो गए। अब इसके बाद फ्लेम को धीमा करके 30 से 35 मिनट धीमे पे पकाएंगे। और जो अखनी का गोश्त है इसमें ही दम हो जाता, इसमें ही पक जाता। तो 7-8 मिनट तेज फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे पकाना और 7-8 मिनट होने के बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमे फ्लेम पे 30 से 35 मिनट इसको पकाएंगे।
मिनट तक मैं फ्लेम को धीमे पे करके रख दी। 30 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही सारे घर में, उसकी खुशबू महक रही और चावल भी हमारा अच्छे से दम हो गया। इसका जो पानी है सारा सूख गया। देखिए चावल भी बहुत खिला खिला और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया। जो हम पपैया पेस्ट लगाए थे उससे बहुत अच्छा गला गोश्त और मिर्चियों का सालन। कोई भी टाइम में आप उसको झटपट बना सकते। खाली मखनी को आप मैरिनेट कर देंगे तो ज़री देर में बनाएंगे और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जायकेदार। ज़रूर बनाइए, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। मिर्चियों के सालन के साथ मैं आप इसको बताई इस तरह से अगर बनाना चाह रहे हैं तो मिर्चियों का सालन बना सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दही की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।